गुड मॉर्निंग लिटिल चैम्स, कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे हैं, है ना? और काम तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड क्लास वन स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे काम कर रहे हैं बेटा और मुझे भेज भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका काम देखकर बेटा। और आप काम के साथ साथ अपना ध्यान रख रहे हैं ना, और जो बातें आपको बताई हैं, हैंड वॉश करना और मास्क पहनना, वो बिल्कुल नहीं भूलना है ना? ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें बेटा। और देखिए आज कौन सा पेज करने वाले हैं। पेज ओपन कर लीजिए बेटा, पेज नंबर 20। और इसमें क्या दिया हुआ है? फ्लाइंग अम्ब्रेलास। यहाँ पर फ्लाइंग अम्ब्रेला दिए हुए हैं, तो इन अम्ब्रेला में बेटा हम कलरिंग करेंगे। और इसमें क्या दिया हुआ है? डॉट डॉट दिया हुआ है, तो इसको पहले ड्रॉइंग को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें कलर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा अपने काम को। तो इस पेज में आज हम काम करने वाले हैं बेटा। ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 20 और टॉपिक क्या है? फ्लाइंग अम्ब्रेलास। पहले इस पेज को थोड़ा सा समझ लेंगे बेटा, क्या है ये फ्लाइंग अम्ब्रेलास और उसमें क्या दिया है साथ में, ज्वाइन द डॉट्स, है ना? तो ये डॉट्स को ज्वाइन करके हम पहले ड्राइंग निकालेंगे अपनी और उसके बाद फिर इसमें कलरिंग करेंगे। और ये क्या किस चीज़ की ड्राइंग है? अम्ब्रेला की दी हुई है। और अम्ब्रेला सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है। अम्ब्रेला हम कब यूज़ करते हैं? रेनी डेज में, है ना? जब बारिश होती है तो उससे बचने के लिए हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, जानते हैं ना बच्चे आप सभी। तो चलिए हम आज यहाँ पर अपने कलरफुल अम्ब्रेला तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सारे डॉट्स को ज्वाइन करके हम इसकी आउटलाइन कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम एक अम्ब्रेला को ऐसे जोड़ लेंगे। आप इसे पेंसिल के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं पहले बेटा, ठीक है? पहले पेंसिल से इसे ज्वाइन कर लीजिए और बाद में फिर इसे स्केच पेन करेंगे। आप डायरेक्ट स्केच पेन से मत करिए बेटा, वरना ख़राब भी हो सकती है पिक्चर, है ना? तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पेंसिल से ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे सारे डॉट्स को पेंसिल से ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें स्केच चलाएंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्केच चलाएंगे। तो इस तरह से सारी पिक्चर को ज्वाइन कर लेते हैं और स्केचिंग कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ अम्ब्रेला में सब में हमने आउटलाइन कर ली और सारे जो डॉट्स थे उनको ज्वाइन कर लिया। और इधर बेटा इसमें जो ये क्लाउड्स दिए हुए हैं इनमें भी आउटलाइन कर लेंगे पहले। और क्या करना है, नीचे ये देखिए छोटी ऐसे बुशेस दिखाई हुई हैं, सीन है ना पूरा ये। तो नीचे इन बुशेस को भी आप इस तरह से स्केच से आउटलाइनिंग कर लेंगे इसकी। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों में कलरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और अम्ब्रेला में आप अपनी पसंद से भी कलर ले सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2-3 कलर से तीनों अम्ब्रेला को अलग अलग कलर से कर लेंगे। तो कुछ ऐसे कलर लिए हैं मैंने, पर्पल लिया, रेड लिया, येलो है, ग्रीन है, तो इनका यूज़ करके हम यहाँ पर कलरिंग करेंगे। सबसे पहले अम्ब्रेला को हम रेड और वायलेट करेंगे, रेड और इसमें ये पर्पल कलर लेंगे, ठीक है? और यही से पूरा यहाँ कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही बेटा। यहाँ फिर रेड और फिर यहाँ पर्पल और फिर रेड,
इस तरह से ये हमारा एक अम्ब्रेला होगा, है ना। और जो इसकी स्टिक है इसको ब्लैक कर लेंगे, और नीचे हैंडल है उस पर आप रेड कलर कर लेंगे। इस पर रेड कर लेंगे। अब नेक्स्ट अम्ब्रेला में देखिए कौन सा कलर करेंगे, ये रेड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं पर्पल एंड येलो, ठीक है। तो एक हम येलो करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं। मुझे ये सुंदर लग रहा है येलो एंड पर्पल, तो मैंने ये लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पर्पल, फिर यहाँ पर येलो, और फिर पर्पल, और ये येलो। इस तरह से इसे पूरा करेंगे, और इसी तरह बेटा ये नीचे के भी होंगे। जैसे यहाँ पर येलो के नीचे इधर आपका इसी तरह से चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ येलो ख़त्म हो गया हमारा। अब यहाँ पर फिर पर्पल ले लेंगे, फिर येलो, यहाँ फिर पर्पल, येलो, और फिर ये वायलेट। इस तरह से ये सीक्वेंस रहेगा कलर का। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। और थर्ड वाले में हम क्या लें, थर्ड वाले में हम ले लेते हैं ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। सुंदर कलर हैं दोनों, तो ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अब कलर स्कीम हमारी ये है बेटा, तो अब सारा कंप्लीट कर लेते हैं कलरिंग, ठीक है। इस तरह से बेटा हमने अपने दो अम्ब्रेलास में कलर कर लिए, आप भी कर लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर कलरफुल अम्ब्रेला लग रहे हैं ना। और अब जो ये वाला है छोटा एक अम्ब्रेला, उसमें भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें हमने ऑरेंज और ग्रीन लिया है, तो ऑरेंज की लाइन पहले स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से आप बिल्कुल अच्छी तरह से कलरिंग करेंगे, एकदम फिनिशिंग का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस अम्ब्रेला को भी पूरा कर लेते हैं कलर से। उसके बाद क्लाउड्स में करेंगे जो ऊपर दिए हुए हैं। तो ये देखिए सुंदर से तीनों अम्ब्रेला हमारे कलर हो गए। अब हम ये जो क्लाउड्स हैं इनमें कर लेते हैं। इसके लिए बेटा डार्क ब्लू कलर लेंगे, तो डार्क ब्लू से करेंगे हम। तो इस तरह से आप ये नीचे भी कर लीजिए बेटा। और कलरिंग के साथ जो हमारा ये पेज था फ्लाइंग अम्ब्रेलास, इस तरह से कंप्लीट होगा। तो आप सब बच्चे भी बेटा इसी तरह से इतने ही सुंदर सुंदर अम्ब्रेला कलर करिए, और इस पेज को कंप्लीट करिए, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, अपना सारा मटेरियल अच्छी तरह से रखेंगे अरेंज करके, और उसके बाद अपने हैंड वॉश करेंगे और अपना काम मुझे भेज देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।